हाय गाइस, आप देख रहे हैं दयारे अली नवाब ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे उड़द की दाल की बरी, जिसे कौड़ौरी भी बोलते हैं। इसको मैंने रात भर के लिए भिगोया था और फिर इसे धो करके साफ़ कर लिया, छिलके हटा दिए। 1.5 किलो दाल है। दाल में लिया मैंने धनिया, मिर्चा, जीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, लकड़ी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, मेथी और जायफल का एक टुकड़ा। ये है हींग, हींग भी डालेंगे। सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। दाल पीसते टाइम मैंने उसमें अदरक भी डाली थी, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसको हमने पीस लिया है। अब हम दाल को ग्राइंड करेंगे। दाल में हम हींग भी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और बादीपन भी ख़त्म होता है। दाल हमारी पीस गई है फाइनली, और अब हम इसको फेटेंगे अच्छे से। बरी के लिए जो मैंने दाल यूज़ की है वो देसी दाल है, हमारे घर की ही, यानी घर में ही बोई गई थी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है इस दाल का। दाल हमारी अच्छे से फेट गई है, इसको पानी में डालेंगे तो देखिए ऊपर तैर रही है। दाल अच्छे से फेट जाती है तो ये देखिए पानी के ऊपर तैर रही है, तो बरियाँ सॉफ्ट बनेंगी। इसमें ऐड करेंगे हम कलौंजी। मसाले हमने ग्राइंड किए थे वो हैं, और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। ये है हमारी ऑर्गेनिक सोया, जो कि मेरे किचन गार्डन की थी, इसको ड्राई करके रखा था, ये भी ऐड करेंगे इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं जो चीज़ें यूज़ करी हूँ वो सारी चीज़ें शुद्ध हैं, प्योर हैं, ऑर्गेनिक हैं। जैसे सोया, मेथी और दाल भी घर की ही है। यहाँ पर मैंने साफ़ चादर ले ली है और इस पर मैंने आटा छिड़क दिया है ताकि बरी इस पर चिपके ना। छत पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि बंदर बहुत आते हैं हमारे यहाँ, लंगूर। हम इसको छोटा छोटा ऐसे डालते जाएंगे, ऐसे ही पूरा डाल देंगे। फाइनली बरी हमारी डल गई है। 3-4 दिन में अच्छे से ये ड्राई आउट हो जाएगी, फिर आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। सूखने के बाद कुछ ये इस तरीके से दिखती है। ये मेरी लास्ट ईयर की बरी है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छे से गल जाती है। मुझे बाज़ार की बरी नहीं पसंद, इसलिए मैं घर पर ही बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।